हेलो स्टूडेंट्स। सो जो है आज 22 नवंबर हो चुका है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा की ओपन काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली थी 20 नवंबर को। ओके, ड्यू टू फॉर्म इश्यू एंड कुछ सर्वर इश्यू के कारण, वेबसाइट इश्यू के कारण उन लोगों ने जो है पोस्टपोन कर दिया 22 को 8 बजे से लेके 1 बजे तक। ओके, तो वो घड़ी भी आ गई, 8 भी बज गए, 22 तारीख भी आ गई, लेकिन फिर भी वही प्रॉब्लम। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा की वेबसाइट नॉट वर्किंग। ओके, तो जैसे ही हम यहाँ पे वेबसाइट पे जाते हैं एडमिशन पे, ठीक है, तो इसके लिए मैं सॉल्यूशन भी बताऊंगा कि कैसे आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे इसकी डेट बढ़ेगी, कैसे नहीं बढ़ेगी, क्या करना है। ठीक है, तो जैसे हम एडमिशन पे जाते हैं, हमारे पास ये ऑप्शन आ रहा है ओपन काउंसलिंग के रिगार्डिंग। ठीक है, तो अभी तो पूरी वेबसाइट पे ही आई थिंक ये लोग जो है 9-10 बजे स्टार्ट करेंगे काम, क्योंकि अभी तो यूनिवर्सिटी बंद पड़ा है ना, 8 बजे कौन आता है यूनिवर्सिटी में। ओके, तो आज मंडे भी है तो कोई इश्यू नहीं है, छुट्टी तो है नहीं वैसे। ठीक है, तो जैसे ही हम इस पे क्लिक करते हैं, कुछ बच्चों ने मेरे साथ फोटोज भी शेयर किए हैं और यहाँ पे भी आ रहा है देखो, PHP एरर वाज एनकाउंटर्ड। ठीक है, तो यार इन्होंने जो फॉर्म क्रिएट किया था वो क्रैश हो चुका है या फिर वर्क नहीं कर रहा है, जिसके अंदर हमको डिटेल्स फिल करनी थी। ठीक है, तो इसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा यार, देखो ये सारा सिस्टम जो है गवर्नमेंट का है। जब तक गवर्नमेंट के पास कोई प्रूफ नहीं होगा, तब तक वो जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी वाले भी कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे भी कोडर है ना, उसको जस्ट इंफॉर्मेशन मिलती है ना आगे से, तब भी ही वो कुछ कर पाता है। ओके स्टूडेंट, समझ गए। अगर उसने अपने आप से भी कुछ कर दिया ना कि हाँ यार बच्चों को प्रॉब्लम होगी मैं कुछ कर देता हूँ, तो भी वो नहीं कर सकता अगर उसने किया। ठीक है, यही इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, कि अगर उसने कुछ किया ना तो गवर्नमेंट वाले बोलेंगे भाई तूने ऐसे कैसे कर दिया, चाहे उसने खुद अपने पैसे लगाए हो। ठीक है, ऐसा नहीं चलेगा बिल्कुल। ठीक है, गवर्नमेंट वाले बोलेंगे भैया तूने अपने पैसे क्यों लगाए, ठीक है, लोगों की क्यों भलाई कर रहा है तू, ये सारा सिस्टम चल रहा है। ठीक है, सिंपली एग्जाम्पल से समझाता हूँ। हमारे गवर्नमेंट कॉलेज जो है, ऑफिसों की कॉलेजों की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब पड़ी रहती है। जब हम बोलते हैं हमारे HOD को, मैनेजिंग डिपार्टमेंट को, तो वो बोलते हैं भैया जब तक मेरे पास गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन आता है मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, एक बार तो ऐसा भी मेरे साथ लाइव एग्जांपल हुआ कि भैया देखो ये मेरा ऊपर वाला फैन खराब पड़ा है, ये जो फैन है इसको मैं चाहकर भी अपने पैसों से भी ठीक नहीं करा सकता। अगर मैंने कराया ना तो गवर्नमेंट मेरे को बोलेगी तूने अपने पैसों से ठीक क्यों कराया, हम 1-2 महीने के बाद PWD वाला भेज के करा देते। ठीक है, तो समझ सकते हो ये जो, इसके लिए अपन को कुछ करना पड़ेगा। ओके, तो आप यहाँ पे आ सकते हो। अगर तुम लोग कुछ करते नहीं हो तो ये कोई कंसिडर नहीं किया जाएगा कि आपकी वेबसाइट चल रही थी कि नहीं चल रही थी। ठीक है, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं किया जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो इसके लिए कुछ यार हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, ये तो इस पे तो मतलब टीचर को तो क्या परेशान करोगे। ओके, ईमेल ढूंढो आप इस वेबसाइट पे, हेल्पलाइन ईमेल कहाँ पे मिलेगा। ईमेल पे इतने ईमेल डालो, इतने ईमेल डालो, इतने ईमेल डालो कि वेबसाइट कभी क्रैश ही ना हो, सालों को एंटी को देनी पड़े वेबसाइट। ओके, तो जस्ट ईमेल मुझे यहाँ पे मिल नहीं रहा है, शायद अवेलेबल होना चाहिए वैसे। ओके, हमारे जैसे लोग ईमेल पे ही वर्क करते हैं, ऐसे ईमेल डालते हैं। मैंने एक बार PMO को ईमेल डाला, PMO डिपार्टमेंट हिल गया साला। ओके, तो यहाँ पे अपन जाएंगे कॉन्टेक्ट के अंदर, कॉन्टेक्ट में कुछ मिलेगा। ओके, तो मैं आप लोगों को वीडियो पोस्ट करके यहाँ पे ईमेल ढूंढता हूँ, अगर नहीं मिलता तो गूगल से उठाएंगे अपन। लेकिन हाँ, ईमेल जरूर डालना है, रिक्वेस्ट यू हम्बल फॉर ऑल स्टूडेंट्स। यार तुम्हें पता है जब तक इनके ऊपर, इनके पास कोई प्रूफ नहीं होगा राइट के अंदर, फोन करके वो कॉल करके बोलने से भी कुछ नहीं होगा, जब तक इनके पास राइट के अंदर ईमेल नहीं होगा ना, तब तक ये बेचारे खुद चाहकर भी एक्शन नहीं ले सकते, जब तक बच्चे कोई कंप्लेन ना करे। तो जितना ज्यादा हो सके यार ईमेल करें। अब ईमेल कौन से ईमेल पे करना भैया, एक सेकेंड में आपको प्रोवाइड करता हूँ। ठीक है, कैसे लोग हैं यार ये लोग, ईमेल तो कहीं दे ही नहीं रखा है। अब सभी रजिस्ट्रार भैया है, वाइस चांसलर भैया है, सभी के मोबाइल नंबर दे दिए भाई साहब, मोबाइल नंबर के ईमेल आईडी भी दे देते हैं। कोई बात नहीं, मैं कांटेक्ट करता हूँ PMO से। ओके ठीक है, मैं जस्ट चेक करता हूँ, गूगल पे मिल जाएगा अपन को। ठीक है, गूगल बाबा को सब पता है। ओके
ओके तो फाइनली बड़ी मशक्कत के बाद मैंने सारे के मेल ढूंढ लिए बच्चों। तो अपन करेंगे सभी को ईमेल अभी। ओके तो वाइस चांसलर भैया को नहीं करना, अपने को वाइस चांसलर जो सर है उनको नहीं करेंगे, रजिस्ट्रार को भी नहीं करेंगे, फाइनेंस ऑफिसर को भी नहीं करेंगे, कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन डॉक्टर विपुल यादव करना है इन भैया को। ओके एंड जो भी आपको मेन मेन लगते हैं उनको आप कर सकते हैं, ठीक है। कॉलेज वालों मैं आपकी भलाई के लिए कर रहा हूँ, मेरे ऊपर कोई एक्शन मत लेना, ठीक है। कल को यूट्यूब से मेरा वीडियो रिमूव करा दोगे यार, मेरा एड नहीं चलेगा फिर, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल मत करना, ठीक है। तो स्टूडेंट सभी को जो आप मेल कर सकते हो, या टीचर वगैरह को ना करे, ठीक है। हम टीचर लोग कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो जो भी IT इनेबल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उनको करिए आप, HOD को कर सकते हैं। ओके तो ज्यादा कुछ यहाँ पे इंफॉर्मेशन है नहीं। ओके तो आप जस्ट यहाँ पे चेक कर लो, और सबको ये मतलब वेबसाइट का स्क्रीनशॉट जरूर अपलोड करना, ठीक है। आप ये स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चों की ये भी इश्यू आ रहा है कि इंटरनेट बहुत धीरे चल रहा है भैया, तो वेबसाइट हमारी ओपन ही नहीं हो रही है, और जिसकी ओपन हो रही है उसको इरर शो कर रहा है कि भैया ये इरर है। ओके तो मैंने एक बार नहीं दो तीन बार वेबसाइट ओपन किया, आप देख सकते हो। ओके ठीक है स्टूडेंट। ओके थैंक यू सो मच यार। सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर अपने आप को जरूर रजिस्टर करें। अब कैसे रजिस्टर करना है ये तो वेबसाइट ओपन होते ही पता चलेगा, पहले तो कैसे बता सकते हैं। ओके स्टूडेंट थैंक यू। जिन बच्चों ने पहले गलती से जनरल कैटेगरी में अप्लाई कर दिया था, अगर उनके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट है OBC SC ST, तो वो अपनी कैटेगरी वाइज अप्लाई कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। ओके थैंक यू।